नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार से निकले मशहूर संगीतकार उदित नारायण के बारे में। बिहार प्रतिभाओं से धनी राज्य है। बिहार के शहरों से लेकर गांव तक प्रतिभाओं की धूम देखने को मिली है। क्षेत्र चाहे जो हो, बिहार की प्रतिभा ने अपने साथ साथ बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उदित नारायण की। गायकी के क्षेत्र में उदित नारायण का लोहा माना जाता है। उदित नारायण ने हिंदी सिनेमा को एक से एक बेहतरीन गाने दिए हैं। आप में से जिनको नहीं पता हो, उन्हें हम बता दें कि गायकी के दुनिया में अपना लोहा मनमाने वाले उदित नारायण का वास्ता बिहार से ही है। उदित नारायण मूल रूप से बिहार के सुपौल जिले के बाईसी के रहने वाले हैं। उनके बेटे आदित्य नारायण टीवी के जाने माने एंकर और गायक है, वहीं उनकी पत्नी का नाम दीपा नारायण है। उदित नारायण ने अपनी पढ़ाई लिखाई भी बिहार से ही पूरी की थी। बिहार में रहकर ही उन्होंने SSC कंप्लीट किया था। वहीं उन्होंने अपने मैट्रिक की पढ़ाई भी बिहार से ही पूरी की थी। आपको बता दें, उदित नारायण के पिता पेशे से किसान थे। हालांकि उन्होंने उदित नारायण को मुंबई का ख्वाब देखने के लिए मना कर दिया था। उनका मानना था कि बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए लड़के को मुंबई जैसी चकाचौंध जगह जाकर बसने और संगीत की दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने का सपना छोड़ देना चाहिए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और पिता की बात को भी उन्होंने दिल से नहीं लगाया और अपनी मेहनत का काफिला शुरू किया। उदित नारायण का यह मानना था कि किसी भी इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो इंसान कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। हालांकि उनके पिता उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने से इंसान की जिंदगी सफर जाती है। मगर उदित नारायण के सपने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे, जिसके बाद उदित ने काठमांडू में नौकरी का काम शुरू किया। अपने जीवन के शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए उदित नारायण बताते हैं कि मेरा पैतृक गांव मिथिला है, जो कि नेपाल के हिस्से में आता है। भले ही मेरा जन्म बिहार के सुपौल जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ हो, मगर मेरा नाता नेपाल से भी बराबर का है और यही कारण है कि उदित नारायण को प्रसिद्ध भारतीय नेपाली पार्श्व गायक भी कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने रेडियो स्टेशन काठमांडू से करियर की शुरुआत की। उस समय उन्हें काम करने के लिए मात्र 100 रुपए मिलते थे। हालांकि इतने कम पैसों में गुजारा करना उनके लिए भी संभव नहीं था और यही कारण है कि उदित नारायण रेडियो स्टेशन में काम खत्म होते ही 5-स्टार होटल में गाना गाने जाया करते थे। वहां से भी उनकी कुछ कमाई हो जाती थी। उसी दरमियान उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी की और इंडियन एम्बेसी की तरफ से उन्हें म्यूजिक स्कॉलरशिप भी मिला, जिसको लेकर वो मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद उन्होंने कुछ समय तक क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली और आखिरकार साल 1988 में उनकी किस्मत बदली और उन्हें पहला ब्रेक कयामत से कयामत तक में मिला। उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना मोहम्मद रफी के साथ गाया। उनके स्वर में जादू है। वे किशोर अवस्था से ही गायन कला के क्षेत्र में लग गए थे, जो कि आज इस मुकाम पर है। संपूर्ण बॉलीवुड में उन्हें आज भी एक बेहतर गायक माना जाता है। नेपाल में अभी के समय में भी उनके स्वर से तुलना किसी भी गायक की नहीं की जा सकती है। उदित नारायण को अपने फिल्मी करियर में पापा कहते हैं, मेहंदी लगा के रखना, परदेसी परदेसी, चांद छुपा बादल में, मितवा गाने के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें लगान फिल्म के मितवा और दिल चाहता है के लिए जाने क्यों लोग, जिंदगी खूबसूरत है फिल्म के टाइटल सॉन्ग और स्वदेश फिल्म के ये तारा वो तारा गाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें साल 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि उदित नारायण ने अपने गृह जिले सुपौल के विकास को लेकर भी सरकार से कई दफा मांगी है। एक बार की बात है जब उदित नारायण अपने एक स्टेज शो के लिए नालंदा जिले में आए हुए थे, जहां उनके शो का हिस्सा बनने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्टेज से ही खड़े खड़े सुपौल जिले में विकास की मांग की थी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।